नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं हम आंध्र प्रदेश की, जहां पर नेल्लौर जिले में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू का रोड शो चल रहा था और इस दौरान वहां पर एक घटना घटी। इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई, मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू कुंदुकुर में एक रैली से पहले रोड शो निकाल रहे थे। उन्हें देखने के लिए बहुत सारी संख्या में लोग वहां पर जमा हो गए थे और इस दौरान एक बताया जा रहा है खुला नाला था, वहां पर सीमेंट जो रेलिंग बनी हुई थी वो टूट गई और कई लोग उसमें खुले नाले में गिर गए। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज इस वक्त स्थानीय अस्पताल में चल रहा है, जिनकी हालत ठीक बताई जा रही है। टीडीपी ने मरने वालों के परिजनों को 10-10 लाख की मदद का ऐलान किया है और इसके अलावा पीड़ित बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का भी वादा किया है। ये दुखद हादसा हुआ करीब 8:30 बजे, जब चंद्रबाबू नायडू कंदुकूर जो नेल्लूर जिले आंध्र प्रदेश में पड़ता है वहां पर एक रोड शो कंप्लीट करके एक पब्लिक मीटिंग एड्रेस करने वाले थे अपने ही वाहन के ऊपर खड़े होकर। इसके लिए पुलिस परमिशन भी दी गई थी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मैंने बात की और उन्होंने कहा थी परमिशन दी गई थी और वो मीटिंग वेन्यू के पास आने ही वाले थे जब बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई वहाँ पर और वहाँ पे साथ में ही एक खुला सा नाला था और इसमें बहुत सारे लोग गिर गए और 8 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हुए। चंद्रबाबू नायडू उस मीटिंग वेन्यू के कुछ ही दूरी पर थे और जब उन्होंने सुना कि यह हादसा हुआ है तब वो रुके, उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग शुरू नहीं की और जब पता चला कि इतना बड़ा हादसा हो गया है तब उन्होंने वहीं से अनाउंसमेंट की कि 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा उनके परिवारों को जिन्होंने जान गंवाई है और उसके अलावा जो लोग घायल हुए हैं उनके पूरे ट्रीटमेंट का खर्चा टीडीपी भरेगी और उसके अलावा जो लोग इस हादसे के विक्टिम्स हुए हैं उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन वगैरह एनटीआर मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से दिया जाएगा। 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है राज्य का और जनरल इलेक्शंस भी, उनकी तैयारी में चंद्रबाबू नायडू हर जगह पब्लिक मीटिंग्स और रोड शोज कर रहे हैं, काफ़ी भीड़ भी जमा हो रही है। कल यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी वो दिल्ली में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी उनकी मुलाकात हुई थी और 10 बजे उनको गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलना था और ये हादसा 8:30 बजे के करीब हुआ और चंद्रबाबू नायडू ने ये बात भी कही कि एक रैली भी करने की एक योजना थी, जो उनके बेटे लोकेश हैं वो 400 दिन के लिए 4000 किलोमीटर चलने वाले हैं पदयात्रा, जो चुनाव के पहले ये पूरी जो राजनीतिक एक प्रोग्राम तेलुगुदेशम ने बनाई थी लेकिन इस हादसे के बाद काफ़ी एक तरह से कहना चाहिए कि बहुत एक धक्का लगा तेलुगुदेशम को और उन्होंने कहा कि इसके आगे और भी ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए जाएंगे ताकि ऐसे हादसे ना हो। वाईएसआर सीपी के जो कैंपेन मैनेजर्स हैं उन्होंने एक तरह से तेलुगुदेशम के लिए को भी दोषी ठहराया या कहते हुए कि बहुत ऐसे नैरो वहाँ पे सड़क थे जिसमें बहुत सारे लोगों को अलाव किया गया, भीड़ को अलाव की गई ताकि जो कैमरा से उनमें ऐसा दिखे कि बहुत सारे लोग तेलुगुदेशम के समर्थन में वहाँ पे पहुँचे हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि बहुत सारे फ्लेक्सीज ऐसे लगाए गए थे जिनके लिए कोई परमिशन नहीं थी और इस वजह से भी उनका कहना है कि हादसा हुआ, क्योंकि फ्लेक्सीज जो लगाई गई थी उनके तरफ लोगों को धक्का दिया गया जब बहुत भीड़ जमा हो गई और उनके रहते लोगों को पता नहीं चला कि पीछे एक नाला है, ओपन ड्रेन है जिसमें कि बहुत सारे लोग गिर गए और उनकी मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि हमारा समाज आज भी किस कदर जातिगत भेदभाव की जंजीरों में जकड़ा है और इसका उदाहरण देखने को मिला तमिलनाडु में, जहां पुदुकोटई जिले के एक गांव में जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप का मामला सामने आया। आरोपों के मुताबिक यहां अनुसूचित जाति के लिए बनी पानी की टंकी को दूषित किया गया और उसमें मानव मल फेंका गया जिसका पानी पीकर कई बच्चे यहां पर बीमार पड़ गए। जांच में टंकी का पानी दूषित मिला। स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि जातिगत भेदभाव के कारण टंकी के पानी में मानव मल फेंका गया।
पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक जातिगत भेदभाव के कारण स्थानीय चाय की दुकान पर भी दो तरह के गिलास में चाय दी जाती है और यहां तक कि मंदिर में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रवेश एक लंबे वक्त से वर्जित रहा है। पुडुकोट्टई कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में जब इन लोगों को मंदिर में दर्शन करने का मौका दिया गया, उनका कहना है कि उनके परिवार में 3 पीढ़ियों से कोई मंदिर के अंदर नहीं गया, लिहाजा ये पल उनके लिए बेहद यादगार रहा। தண்ணியே வந்து மஞ்ச கலரில் வந்துருக்கு. இதை தெரியாத மக்கள் வந்து ஒரு வாரம் குடிச்சிருக்காங்க. குழந்தைகள் உடல்நிலை சரியில்லாமல் போனதுனால மருத்துவமனை வீட்டு பார்க்கும்போது தான் உங்கள் மருத்துவ டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க தண்ணி எல்லாம் பிரிச்சல் சொன்ன பிறகு தான் இந்த உண்மை உங்களுக்கு தெரிய வருது. நாங்கள் வந்து 3 தலைமுறை அந்த இதில் இருக்கோம், இந்த கோவிலுக்குள்ளே போகலை. கலெக்டர் வந்து இன்னைக்கு வந்து அந்த ஊர் நிறைவேறினது ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்கு. இனிமேலும் நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த உரிமை வந்து கிடைக்கும். இன்னைக்கு தான் போய் இந்த சாமி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சந்தோஷமாக இருக்கு. அந்த சாமி கும்பிட்டதில் இது மாதிரி எப்போவும் இது மாதிரி நீடிச்சு இருந்துச்சுன்னா ஓகே, இன்னைக்கு மட்டும் இருந்துட்டு இதோட இந்த மேட்டர் வந்து க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் எங்களுக்கு. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किस तरह से पढ़ा लिखा समाज भी एक असंवेदनशीलता उसमें भी नजर आ रही है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि आए दिन हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें कि पढ़े लिखे लोग अपने ही से कमजोर तबके के लोगों पर रौब झाड़ते हुए नजर आते हैं, उनके साथ बेरहमी और बदसलूकी करते हुए दिखते हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये नोएडा सेक्टर 120 की एक सोसाइटी की है, लिफ्ट के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वीडियो काफी वायरल हुआ है। यहां पर जो कैमरा लगा था लिफ्ट में उससे ये बात उजागर हुई कि शेफाली कौल नाम की जो महिला जो पेशे से वकील है अभी फरार चल रही है, उसने अपने घरेलू सहायिका के साथ मारपीट वो करती थी। आरोप ये भी है कि आरोपी महिला ने मेड को जबरन अपने घर में रखा हुआ था। पुलिस अब मामला दर्ज करके आरोपी महिला की तलाश कर रही है जो फिलहाल फरार बताई जा रही है। और जो पीड़ित लड़की है उसका नाम अनीता है, उसकी उम्र 20 साल है। उसने बताया कि कैसे शेफाली कौल रोज उसे पीटती थी, ठंड में ठंडे पानी से नहला देती थी, यहां तक कि उसका गला तक दबाने की कोशिश की। सुनते हुए पूरी बातचीत सौरभ शुक्ला से की है उन्होंने। अनीता बताइए कब से काम कर रही थी आप उसके यहाँ पे? अप्रैल से करती 14 अप्रैल से काम कर रही थी, 24 घंटे का। 24 घंटे का वहीं रहती थी? जी वहीं पर रहती थी। ठीक है, तो 24 घंटे से वहीं रह रही थी जी। मुझे वहाँ पर रहे 10-15 दिन हुए थे, उस दिन से मुझे मारना शुरू कर दिया था उन्होंने। हर रोज मुझे मारती थी, रात को 12-12 बजे तक बर्फ के पानी से नहलाती थी और छोटी छोटी बात पर हर रात मुझे मारती थी। चाकू से मारने की कोशिश की उन्होंने कई बार, मेरा गला भी दबा दिया था कई बार और मेरा दांत भी तोड़ दिया। दांत भी तोड़ दिया जी। दांत गर्दन पे भी देखिए, थोड़ा गर्दन ऊपर करिए, देखिए गर्दन पे निशान है चोट के। तो ये चाकू मारा आपके? चाकू नहीं, नाखूनों के निशान है। नाखून से मारे, गला दबा रही थी? गला दबा रही थी मेरा। अच्छा, ये कान पे क्या किया आपके? चप्पल से मारा कानों पे। कान पे चप्पल से मारा जी। तो 26 दिसंबर को आपने भागने की कोशिश की? जी भागने की कोशिश, मैंने गुड़ की पट्टी खा ली थी थोड़ी सी और बोली तो सुबह उठ तुझे तेरा मुंह गैस पे जला के ऊपर से फेंक दे तुझे तब पता चलेगा दूसरी चीज खाने पे। तभी मैंने ऊपर से फेंक दी कि दबके दी, मेरे को डर गई थी रात में तो मैंने चुन्नी बांध के नीचे कूद गई थी। चुन्नी बांधी आपने? कितनी चुन्नी बांधी? गिनी नहीं तो चुन्नी, 6-7 चुन्नी सी। तो आप तीसरी मंजिल से नीचे? चार मंजिल से नीचे कूदी। चार मंजिल से आपने रस्सी बंधी और फिर वहां से नीचे कूदी और आपको डर लगा क्योंकि आपने गुड़ की पट्टी खा ली थी इसलिए पीटा इसने और बोला सुबह अगर सुबह तुझे जला दूंगी और नीचे फेंकूंगी। आप डर गई थी? जी डर गई थी, सुबह बोली तो जला दूंगी नीचे फेंक दूंगी तो पता चलेगा। मैं डर गई थी रात को, मेरे को तभी फेंकने की धमकी दी तो मैंने डर गई थी और मैं नीचे कूदने की रस्सी बना के। अच्छा, तो नाराजगी किस बात पे थी आपसे? क्या समस्या क्या थी उसकी आपसे? वो तो मुझे पता, हर छोटी छोटी बात पर टॉर्चर करती थी। खाना में बनाने लेट हो जाता तो उस बात पे, चाय दान 2 मिनट लेट हो जाता उसी बात पे गाली गलौज। चाय में लेट हो गई तो गाली गलौज, मारपीट, कुछ टाइम पर कुछ चीज नहीं मिलती तो तब भी गाली गलौज देती थी। अब खाना में जो झाड़ू मार कूड़ा रहेगा तो उसे लात घूसे मारती थी पीछे से। झाड़ू मारने में तो है, झाड़ू मारने को बर्तन थोड़ी गंदी के रहते तो पतीला उठा के सर पे मारते थे। फिलहाल अनीता आपके सामने है और इनकी जो चोटें हैं वो इनके साथ की गई यातनाओं की तस्वीर सबको बयां कर रही है। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक वीडियो सामने आया है जो चेहरे पर जहां एक तरफ हंसी ला देता है, मुस्कान ला देता है, वहीं चिंता में चेहरे पर शिकन भी ला देता है। दरअसल ये वीडियो आपको बताएगा कि कानून व्यवस्था पर खुद की पीठ थपथपाने वाली यूपी पुलिस की किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कितनी खराब है। अब जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं उसे देखकर आप थोड़ा सा हैरान भी होंगे क्योंकि ये न सिर्फ यूपी पुलिस की ट्रेनिंग पर बल्कि उसकी भर्ती प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। देखते हैं सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट।
बंदूक में गोली कहां से डाली जाती है, यूपी पुलिस से पूछिए। संत कबीर नगर जिले की पुलिस ने गोली का रास्ता बदल दिया। डीआईजी बस्ती आर के भरद्वाज संत कबीर नगर जिले की कोतवाली में निरीक्षण करने पहुंचे थे। डीआईजी साहब ने थाने का निरीक्षण करने के बाद दरोगा साहब लोगों का इम्तिहान लिया, कहा चलाकर दिखाइए दंगा निरोधक बंदूक। तो दरोगा जी ने कारतूस डालने की सही जगह छोड़कर नली के रास्ते से ही कारतूस घुसा दी और बंदूक तान दी फायर करने के अंदाज में। लेकिन दरोगा जी का आविष्कार देखकर डीआईजी साहब ने दरोगा जी को तुरंत रोक दिया। आसपास खड़े बाकी पुलिस वाले हंसने लगे। डीआईजी साहब से पूछा गया इस कारनामे के बारे में तो लीपापोती करने लगे। कोतवाली के अंदर में जो भी निरीक्षण के अंदर में खामियां मिली हैं, वो खामियां कहीं ना कहीं ट्रेनिंग या रिहर्सल न होने का ही नतीजा था। और हम लोग ये रिहर्सल और प्रैक्टिस उन परिस्थिति के लिए करते हैं जो भविष्य में कभी भी हो सकती है। हमने ये प्रैक्टिस इस चीज के लिए कराई थी कि अगर विषम परिस्थिति भविष्य में अगर होती है तो हम उसके लिए कितना तैयार है। जो कमी आई है उसी चीज की कमी को अब हम लोग पूरा करेंगे विद रिहर्सल विद प्रॉपर ट्रेनिंग, जो कि पहले नहीं हुई थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले निरीक्षण के अंदर में हमें ये कमी नहीं मिली। वैसे मुठभेड़ में उस्ताद यूपी पुलिस की ठाए ठाए आपको जरूर याद होगी। उस ठाए ठाए के बाद ये नया आविष्कार है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सपा ने भी यूपी पुलिस पर तंज कसा। सपा ने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर कहा कि योगी जी की पुलिस को बंदूक में गोली डालनी भी नहीं आती। यूपी पुलिस बंदूक की नली से डाल रही गोली, चरम पर अज्ञानता। भाजपा सरकार में गरीबों निर्दोषों का उत्पीड़न करने वाली अनुशासनहीन पुलिस के एसआई को बंदूक चलाना भी नहीं आता, शर्मनाक। ऐसे पुलिस कर्मियों से बेहतर होगी पुलिस फोर्स। यूपी पुलिस पूरा मनोरंजन भी करती है, रक्षा करे ना करे मनोरंजन जरूर करती है। कभी ठाए ठाए मुंह से बोल के एनकाउंटर करती है, तो कभी सोचिए कि ऊपर से गोली डाल करके गोली चलाने चले जा रहे थे दरोगा साहब। सोचिए दरोगा है वो, क्या ट्रेनिंग रही होगी। तो फिलहाल छुट्टियों का मौसम है, नया साल आने वाला है, तो आप भी ये स्टोरी देखिए और मनोरंजन करिए। सहयोगी मनोज कुमार के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्रैवल एजेंट्स की, जिनके चक्कर में फंसकर हर साल सैकड़ों लोग जो है अवैध तरीके से विदेश जाते हैं और फंस जाते हैं। इनमें से कई लोग डोंकी ड्रिल यानी कि जंगल या फिर दुर्गम रास्तों के जरिए अलग अलग देशों में घुसते हैं और इनमें से कई लोगों की इन दौरान जो है मौत तक हो जाती है। देखते हैं इस पर खास रिपोर्ट। सोलह मार्च को फर्जी वीजा पर पेरिस जा रहे सुच्चा सिंह, सुरजीत और अमनदीप सिंह नाम के तीन यात्रियों को एयरपोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये लोग गुरविंदर और संदीप नाम के ट्रेवल एजेंट के संपर्क में थे। उसने 15 लाख रुपए के हिसाब से इन तीनों को फ्रांस का वीजा दिलाने का भरोसा दिया और डील 45 लाख रुपए में तय की गई। 5 लाख रुपए एडवांस लेने के बाद इनको फर्जी वीजा दिया गया, जिसके लिए इन्होंने दिल्ली के रहने वाले गौरव गोसाई से संपर्क किया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का रैकेट दुबई में बैठकर चलाता है। ये फिर भी किस्मत वाले थे जो यही गिरफ्तार हो गए, वरना किसी भी कीमत पर विदेश जाने की कोशिश में हजारों लोग अपने लाखों करोड़ों रुपए गवा देते हैं और एजेंट उनको डोंकी ड्रिल के जरिए एक ऐसे सफर में निकाल देते हैं जिसका अंत बेहद खौफनाक होता है। इस सिंडिकेट का एक संस्थागत ढांचा बना हुआ है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कभी भी बिना अपने जाए कभी भी एम्बेसी में या VFS के पास अथॉरिटी होती है जो ये वीजाज प्रोसेस कराते हैं, तो VFS में जाए बिना, क्योंकि वहां फिंगरप्रिंटिंग होती है, वहीं आपकी फोटो ली जाती है, वहां से आपसे साइन कराए जाते हैं। बिना जाए अगर कोई आपको प्रॉमिस करता है कि आपको वीजाज मिलेंगे तो वो बिल्कुल फेक प्रॉमिस है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिल्ली पुलिस ने जब इन एजेंट्स से पूछताछ शुरू की तो इस सिंडिकेट से जुड़े एक के बाद एक नाम सामने आने लगे और पुलिस ने उन कड़ियों को जोड़ा जो पुलिस के हाथ फर्जी वीजा बनाने वाले गुजरात के भाव सिंह और प्रतीक शाह तक पहुंचे।
जिनके पास विदेश जाने वाले यात्री की जानकारी और फोटो व्हाट्सएप पर भेजी जाती, जिसके बाद ये दोनों यात्री की फोटो लगाकर फर्जी वीजा तैयार करके कुरियर के जरिए वीजा यात्री के घर भेज देते थे। पिछले 2-3 वर्षों में ऐसे कई एजेंट्स और मुसाफिर पकड़े गए हैं। जहां पिछले साल 2021 में दिल्ली एयरपोर्ट से 72 एजेंट गिरफ्तार किए गए, वहीं 2022 में गिरफ्तार हुए एजेंट की संख्या 104 पहुंच गई, जबकि 2022 में 313 ऐसे यात्रियों को पकड़ा गया जो अवैध तरीके से विदेश जा रहे थे। हालांकि फिर भी सैकड़ों लोग विदेश जाने में कामयाब रहे, जबकि डोंकी ड्रिल के जरिए बाहर जाने की कोशिश में कटीले तारों, बर्फीले रास्तों और दीवारों को फलांगते हुए कई लोगों की मौत हो गई। गुजरात के एक परिवार की ऐसे ही रास्ते से निकलते वक्त मौत हो गई थी। फर्जी वीजा के जरिए विदेश जाने वाले अपनी गाढ़ी कमाई तो खो ही देते हैं, कई बार वो सलाखों के पीछे भी चले जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि डोंकी ट्रेल के जरिए यात्रा करते समय उनकी मौत तक हो जाती है। ऐसे में ऐसे एजेंटों से सावधान रहें जो फेक वीजा के जरिए लोगों को विदेश भेजते हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। चलिए अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो, जिसमें कि कुछ यात्री आपस में झगड़ा करते हुए नजर आते हैं और एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो बैंकॉक से कोलकाता आ रही फ्लाइट का बताया जा रहा है। दरअसल किसी बात को लेकर यात्रियों के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। कुछ ही देर में 4 यात्री मिलकर एक यात्री की पिटाई करने लग जाते हैं। वहीं क्रू मेंबर इस पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके पिटाई का यह सिलसिला नहीं रुक रहा।